हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज समर हीट को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समर हीट ये वेब सीरीज कल ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 40-50 मिनट के आसपास का है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को हाई स्कूल ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको इस सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये सीरीज़ कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी कैटरीना नाम की एक लड़की की, जो कि काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और वो स्विट्जरलैंड MBA करने जा रही होती है। लेकिन उसके लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसकी माँ को पुलिस अरेस्ट कर लेती है करप्शन के इल्ज़ाम में, और इसी कारण से उसे सारे पैसे फ्रीज हो जाते हैं। और इसी कारण से वो जिस रिजॉर्ट में रुकी होती है वहीं फंस जाती है। और उसके बाद कैटरीना की लाइफ में आगे क्या क्या होता है, उस रिजॉर्ट में काम करने वाले लोगों की लाइफ में क्या क्या होता है, यही सब इस सीरीज की कहानी है। अगर हम इसी स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ के स्क्रीन प्ले अच्छा लगा है। ऑल्दो स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन अच्छा ज़रूर था, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। हमें बताया जाता है कि कैटरीना किस तरह की इंसान है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किस तरह से चीट करा है, वो कितनी ज़्यादा प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करती है और अब उसकी लाइफ में कितना सब कुछ बदल चुका है। वो सब इतना अच्छा तो है कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में एक इंटरेस्ट बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से इस सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है, हमें बताया जाता है कि यहाँ काम करने वाले लोग किस तरह के हैं, उनके पीछे डायनामिक्स किस तरह के हैं, और अब कैटरीना इन लोगों के साथ किस तरह से इन्वॉल्व हो गई है, वो सब भी मुझे देखने में मज़ा आया। ऑल्दो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती हैं और आपको काफ़ी पहले से पता होता है कि ये सब होने वाला है, इसी कारण से जब ट्विस्टेडनेस आते हैं तो आप उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं जिस तरह को उन्हें डालना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप इस सीरीज़ में जुड़े रहते हो और बोर नहीं होते हो, जो कि सीरीज़ की हाईलाइट है। और अगर हम कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स की डायनेमिक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स को थोड़ा और डेवलप किया जा सकता था, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को बस सरफेस लेवल तक ही डेवलप किया गया है। इसी कारण से हम किसी भी कैरेक्टर के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जिस तरह से हमें होना चाहिए था। लेकिन जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स रहते हैं वो मैंने इन्जॉय करे हैं। लेकिन अगर हम इस सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जैसा कि अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे, इस सीरीज़ में आपको कुछ भी नया और अलग देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग इस सीरीज़ में अपना दिमाग चलाओगे तो आप इस सीरीज़ के हर एक बीट को काफ़ी आराम से गेस करते चले जाओगे। इसी कारण से इस सीरीज़ को देखते वक्त अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाना। और जहाँ तक बात है एक्टिंग की, तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी भी बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन ठीक ठाक है और एडिटिंग भी ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हाई स्कूल ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो आपको ये सीरीज़ डेफिनेटली पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो भी आप इस सीरीज़ को देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे। इसलिए मेरी तरफ से तो ये सीरीज़ रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।